नमस्कार, मैं मिथिलेश चतुर्वेदी एक छोटा सा एक्टर हूँ और ज्वाइन फिल्म्स में आके मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अगर इस लड़के का IQ एकदम जीरो है, इसे किसी टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। क्यों है ना फर्स्ट क्लास? अरे कोई बेवकूफ गधा उल्लू का पट्टा होगा जिसे कि ये फ्लैट पसंद नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड में आने की तमन्ना यूं तो बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन ये तमन्ना है जब हकीकत में आती है यहाँ पर तो कई बार टूटती है, बिखरती है, हिम्मत भी टूटती है। लेकिन उसको बरकरार रखते हुए इसमें करियर कैसे बनाया जाता है, यही बताने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, मिथिलेश चतुर्वेदी जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स सर। नमस्कार सर, ये जो बॉलीवुड है इसने सबसे पहले आपको अट्रैक्ट कब किया था? अट्रैक्ट करने का सवाल तो यूँ है कि मैं बचपन से नाटक करता था और नाटक करते 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 लगभग पूरा हिंदुस्तान मैंने घूमा। ओके, तो फिर एक स्थिति ये आई कि भाई तालाब तैर लिए, नदी तैर ली, चलो समंदर में भी छलांग लगाई जाए। ओके, तो वो छलांग लगाने के लिए हम बम्बई में आ गए और ऊपर वाले की कृपा थी कि डूबे नहीं। ओके, तो जब ये आपने इरादा किया कि मुंबई आ जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उस ज़माने में तो इतना काम नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम थी, मौके भी बहुत कम थे, तो कभी घबराहट नहीं हुई? वो एक जगजीत सिंह साहब की गाई हुई गज़ल का शेर है कि आस न दिल का साथ न छोड़ा, फिर भी हम घबराए तो घबराहट तो होती है। और जबकि आप सब कुछ अपना दांव पे लगा कर यहाँ पर आते हैं और कुछ नहीं में से कुछ तलाश करने की कोशिश करते हैं तो एक घबराहट तो होती है। लेकिन वह है ना कि हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम को, तो मैं ऊपर वाले का नाम लेके कोशिश करता रहा और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और एक छोटी सी जगह पर मुझे बैठा दिया। ओके, तो जब ऊपर वाले ने सुन ली और आपका काम शुरू हुआ तो कौन सा प्रोजेक्ट था वो? देखिए, मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था उसूल, सीरियल था और जिसमें डेनी साहब भी थे। उसके बाद फिर मुझे मिला एक डीडी मेट्रो का सीरियल न्याय। जैसा रोल मुझे जो मिला वो वैसा रोल फिर मुझे दोबारा नहीं मिला और ऊपर वाले की कृपा थी कि उसको परफॉर्म भी अच्छी तरीके से किया। फिर वो फिल्म सत्या मिली, फिर उसके बाद फिल्म भाई भाई मैंने की, ऐसे ही चलते रहे। ओके, धीरे धीरे फिर तो एक जो चला सिलसिला फिल्मों का तो लगातार चलते है क्या? नहीं, फिल्मों का सिलसिला ज़्यादा नहीं चला मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, मेरी पीआरशिप बहुत ख़राब है। तो मेरी पीआरशिप अल्लाह मियाँ करते हैं, तो जब वो किसी को भेज देते हैं तो मैं काम कर लेता हूँ। लेकिन लोग आपको ढूंढ ही लेते हैं क्योंकि उनको आपका काम पसंद आता है, क्योंकि जितने भी रोल आपने किए, जैसा मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि सत्या में मैंने आपको देखा था और मुझे एकदम फेस रजिस्टर हो गया था कि यार ये एक्टर कुछ अलग है, जो छोटे रोल में भी बड़ा मार्क छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि मुझे राकेश रोशन जी का फ़ोन आया उनके ऑफिस से, तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर मेरे पास नहीं था, तब तो मोबाइल भी बड़े मुश्किल से होते थे, तो आपका नंबर मेरे पास नहीं था और आपको ढूंढने के लिए मैंने कुओं में बांस डलवा दिए। तो वही है ना कि जब आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलना होता है तो फिर वो आपको मिल ही जाता है। ओके, मिथिला जी, यहाँ तो आप काम कर रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन आने से पहले आप क्या काम किया करते थे, किस प्रोफेशन में थे? आने यहाँ बम्बई आने से पहले हम लखनऊ में थे और लखनऊ में थिएटर करते थे और थिएटर करने के साथ साथ एक सरकारी कलम घसीट भी थे, यानी कि सरकारी नौकरी में भी थे हम। ओके, तो तकरीबन 25 साल हमने सरकारी नौकरी की। ओके, और उसके बाद देखा कि
सब चीज गुणा भाग करना पड़ता है ना, तो जब देखा कि हमारी नौकरी पेंशनेबल हो गई है तो हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और कूद के यहाँ पर आ गए। लेकिन 25 साल की नौकरी करने के बाद तो डर बढ़ जाते हैं लोगों के, क्योंकि वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, तो डर तो था लेकिन विश्वास भी तो था ना। आपके हिसाब से जब एक एक्टर थिएटर करता है तो वहाँ तो पूरा एक माहौल ही होता है जी, एक्टिंग का, कि स्टार्ट टू एंड मुझे फिनिश करना है जी। लेकिन वही एक्टर जब कैमरा एक्टिंग करने में आ जाते हैं और वहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बीच में और वो कट टू कट जब शूट होता है तो टेक्निकली कितना अलग हो जाता है। बहुत अलग होता है। मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई, क्योंकि हम थिएटर के आर्टिस्ट थे, हमारा हर एक्शन, हमारी हर डायलॉग डिलीवरी बड़ी लाउड होती थी। तो मैं रिपोर्टर सीरियल कर रहा था तो विनोद पांडे जी, मेरे पहले गुरु जिन्होंने कि मुझे टेलीविज़न के सामने या कैमरे के सामने एक्टिंग करना सिखाया, उन्होंने कहा कि इतना लाउड क्यों? अरे कैमरा आपके एक एक मूवमेंट को देख रहा है, आप आँख भी झपकाते हैं तो वो बड़ा होकर दिखाता है, और चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? आपको यहाँ पर माइक लगा हुआ है, आप फुसफुसाएंगे भी तो वो सुनाई पड़ेगा, तो इतना लाउड चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? वैसा ही कीजिए जैसा कि किया जाता है, बस हाँ उसको थोड़ा सा नाटकीय रूप देने के लिए 5% उसको एनहेंस कर दीजिए तो वो आपकी एक्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और उस फॉर्मूले को आज तक मैं अप्लाई फॉलो करता रहा हूँ। एक एक्टर जब आता है एक्टिंग करने के लिए और उसको कुछ काम मिलने शुरू हो जाते हैं तो बहुत बार ये देखा गया कि बाद में वो नज़र नहीं आते, तो एक्टिंग के साथ साथ, एक्टिंग के स्किल के साथ साथ क्या एटीट्यूड, बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये भी काउंट होता है करियर में? बहुत बहुत काउंट। अब देखिए कि अगर आप, सबसे चीज़ है कि आप में एक विनम्रता होनी चाहिए, अगर आप में विनम्रता नहीं है, आप ऐंठू हैं तो आदमी एक बार आपको बुलाएगा दोबारा बुलाएगा ही नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा तो लोच, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। जी जी। ओके, आप जब रोल करने जाते हैं तो खुद को लिए कैसा प्रिपरेशन, कुछ स्पेशल होता है या बस करेक्टर सुना और हो जाता है? नहीं, अब तो देखिए ऐसा नहीं कि अब इतने साल करते करते हो गए, थिएटर भी किया तो अब तो कैरेक्टर सुनते हैं तो समझ में आ जाता है। नहीं, प्रिपरेशन तो करना ही पड़ता है कि भाई अब किसी अंधे का कैरेक्टर करना है तो उसको देखना पड़ेगा ना कि एक अंधा की, एक अंधे भी कई तरह के होते हैं, मतलब उनके कई पोस्चर होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, तो देखना पड़ेगा कि उसका स्क्रिप्ट क्या चाहती है या राइटर क्या चाहता है। तो राइटर ने किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उस कैरेक्टर को लिखा है उसको फॉलो करना और उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ओके, ग्रेट मित्र जी। थिएटर को हम कहते हैं कि वो एक्टर का मीडियम होता है, राइट, और विजुअल मीडियम जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, तो यहाँ पे डायरेक्टर पे सरेंडर करना पड़ता है, तो कुछ दिक्कत आती है या फ़ायदा हो जाता है उसे? नहीं देखिए, चाहे मीडिया हो चाहे थिएटर हो, दोनों ही डायरेक्टर की मीडियम है। ओके, बस क्या है कि थिएटर में आप एक एक महीना, दो दो महीना रिहर्सल करते हैं तो आप एकदम रवा हो जाते हैं, तो फिर आपको डायरेक्टर, तो फिर दर्शक दीर्घा में बैठ के आपका प्ले देखता है। जबकि यहाँ पर आपको, आप मेकअप कर रहे हैं और वो असिस्टेंट स्क्रिप्ट ले आया, सर इसको याद कर लीजिए, ये सीन करना है, तो अब कर रहे हैं, उसको मेकअप भी हो रहा है, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तब फिर हम डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसने क्या सोच के इस कैरेक्टर को अपने सीरियल में या अपनी फिल्म में जगह दी है। वो हमको बताते हैं और हम करते हैं। ओके, कहना कहे हम लोग तो एकदम बंदर की तरह हैं, जैसा जमूरा नचाता है वैसे नाचते हैं। आज जब इतने साल में पीछे मुड़ के आप देखते हैं कि जो छोटी सी घबराहट हुई थी शुरू में और उस टाइम आपने रोक लिया अपने आप को या अपने आप को तैयार रखा कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है, वो सही था फैसला और आज सही हुआ सब कुछ उस हिसाब से? मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को, तो मुझे अपने ईश्वर पर अगाध श्रद्धा थी, अगाध विश्वास था कि जब उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तो वो मुझे यहाँ से नाकामयाब नहीं करेगा,
तो वो एक विश्वास था मेरे अंदर जो कि आज भी है। क्या ये विश्वास की बजाय जो वजह है वो आपकी तैयारी भी थी, जो आपने इतने साल थिएटर किया, प्रिपरेशन किया? देखिए, जिंदगी में या फिल्मों में या सीरियल्स में भांति भांति के कैरेक्टर्स होते हैं, और अगर आप तैयारी की बात करें तो आदमी कितने कैरेक्टर्स की तैयारी करेगा, तो वो सब तैयारी ऊपर वाला करा के भेजता है, वो आपको नहीं करनी पड़ती। ओके, अभी आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपके? अभी तो मैं एक कल एक प्ले की शूटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, अभी इसके बाद वहाँ से रिहर्सल में जाऊँगा, और उसके बाद एक दो सीरियल हैं। फिल्म के लिए भी कोशिश करता हूँ, पर वही है ना कि मेरी पीआरशिप नहीं है। ओके ग्रेट, थैंक यू मिथिलेश जी, थैंक यू वेरी मच। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है। I can...